हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर स्कूल चैनल न्यू सैनिक एजुकेशनल ग्रुप। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन पालतू पशु। आज मैं आपको इस वीडियो में पालतू पशु के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। पालतू पशु के आपको समझ में आ गया एकदम, जो हम पालते हैं घरों में। अब आपके माइंड में एकदम ये भी आ गया हम घरों में क्या क्या पालते हैं। चलिए ठीक है, पता है, फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वी कीप सम एनिमल्स इन अवर हाउसेज और इन फार्म्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। आपको समझ में आ गया होगा, जिन एनिमल्स को हम घरों में या फार्म वगैरह में पालते हैं उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। लाइक है आपका काउ, गॉट, शीप, बुफेलोस, हॉर्सेस, डॉग एटसेट्रा। इन सब के नाम देख के आपको समझ में आ गया होगा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, इन सबको हम घरों में पालते हैं। ये सब कैसे कहलाते हैं, कौन से एनिमल्स कहलाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स। काउ, गोट और बुफेलो के नाम से एकदम हमें समझ में आ जाता है, अरे ये क्या देती हैं, दूध, घी। घी खा के हम क्या बनते हैं, स्ट्रांग। और स्ट्रांग बनते हैं तभी तो हम पढ़ते हैं, तभी तो हम लाइफ में कुछ बनेंगे, राइट? यस राइट। और मुझे भी बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद होगा घी, है ना। चलिए हम आगे देखते हैं इसके बारे में क्या। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, गॉड, बुफेलो एंड राइड ऑन हॉर्सेज एंड कैमल्स। अब समझ में आ गया, काउ, गॉड, बुफेलो, ये क्या कैसे एनिमल हैं, मिल्क एनिमल, ठीक है। और हॉर्सेज एंड कैमल क्या है आपके, इससे हम क्या है, राइड, यानी कि हम इस पर सवारी करते हैं। देखा ही होगा आप बैठ के इस पर, राजस्थान में आपको कैमल देखने को मिला होगा। और इसको राजस्थान में जो है राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है कैमल को। हॉर्सेस यहाँ पे देखे होंगे आपने और आई थिंक कैमल को भी देख लिया होगा, बट मोस्टली ये राजस्थान में मिलते हैं क्योंकि वहाँ का जहाज कहा जाता है इसे। ए डॉग कीप अवे अदर एनिमल्स एंड थीप्स फ्रॉम अवर हाउसेस। अब जो हमारा डॉग है इसको हम घर में पालते हैं, ये क्या करता है, इसका वर्क क्या है, तो ये हमें दूसरे जानवरों से, वो थीप्स यानी कि चोरों से हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है। और ह्यूमन का सबसे अच्छा फ्रेंड जो है वे डॉग को ही कहा गया है, बिकॉज इसमें वफादारी होती है, ठीक है। तो ये आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और आई थिंक आपको ये छोटे से वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसको लर्न करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर स्कूल चैनल। डोंट फॉरगेट रिंग द बेल। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे लिख के बताएं, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और घर पे रहें, सेफ रहें, स्टे होम, सेफ लाइफ, कीप स्माइल। थैंक यू।